हाय गाइस, वेलकम एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबका। 621 गोल्ड शॉट का फुल रिव्यू लेके आ चुके हैं। तो यहाँ शॉट बुक में हम चेक करेंगे 621 लॉन्ग ऑफ एरिया है, बिलो थी कनेक्शन, 140 प्लस का रेंज, और लाइव रिव्यू जरूर किया था। लेकिन यहाँ हम शॉट में बताएंगे कि कौन कौन सी वेरिएशन और कौन किसी यहाँ लेंथ पे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो लॉफ शॉट है गाइस 621 स्पेशल पे ये सिलेक्ट करना है, और 7 o'clock एडवांस शॉट है। जी हाँ गाइस, तो सेट किया है और हम रैंक में चेक करेंगे। ये इस्लाम की ये गेंद आ रही थी और अच्छे से कनेक्ट किया, वानखेड़े स्टेडियम, बेहतरीन टाइमिंग, ये रैंक में है बिल्कुल। और अगली गेंद आ रही है स्वेप्सन की, लेग स्पिन, और स्वेप्सन की लेग स्पिन को भी अच्छे से कनेक्ट किया। और पोजीशन देखिए बैट्समैन की, आगे आके खेलना है बहुत ही जी। और यहाँ आकर आपको लेग स्पिन की जगह फ्लिपर है तो चकमा दे सकती है, फ्लिपर और कैरम पे इफेक्टिव नहीं होगा बिल्कुल। ये देखिए इस बार ये लेग स्पिन को अच्छे से कनेक्ट किया और ये मिडल ऑफ द बैट है, 4 रन मिलेंगे। चलिए अगली गेंद, यहाँ पे लेग स्पिन है बिल्कुल, आगे गए हम और काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके थे, नेगेटिव पे आए और पोजीशन नेगेटिव लाइन की बनाई और अच्छे से कनेक्ट किया। चलिए इस बार नेगेटिव लाइन ही है और हम कड़े कड़े ही खेलेंगे, बेहतरीन कनेक्शन, कड़क है और यह मैक्सिमम जबरदस्त छक्का। चलिए अगली गेंद यहाँ पे एक बार फिर से, और देख सकते हैं आप काफ़ी यहाँ पे आगे जाके खेलना होगा, राउंड विकेट से है इस बार। और इस लेंथ पे काम करेगा कि नहीं, कभी कभी नहीं करेगा बिल्कुल। इस लेंथ पे 10 में से 8 बार मिस करेगा, 2 ही बार लकीली कनेक्ट होगा। इस बार यहाँ शॉर्ट स्पिन गुड लेंथ पे आसानी से काम करेगा, ड्रिफ्टर है, टॉप स्पिन है, और यहाँ लेग स्पिन दूसरा पे काम करेगा, फ्लिपर और कैरम के सामने इफेक्टिव नहीं रहेगा गाइस। जी हाँ, राधा कृष्ण की आ रही है गेंद और ये देखिए कमाल का टाइमिंग, और मिलेंगे 4 रन लॉन्ग ऑफ एरिया की तरफ गेंद जाती हुई। इस बार भी कनेक्शन मिलता हुआ लेकिन अर्ली है, अर्ली पे भी 30 गज को पार कर दिया, लेकिन कभी कभी अर्ली पे बिल्कुल विकेट आ सकता है। इस बार यहाँ पे गगनचुंबी छक्का, 6 रन मिलेंगे, बेहतरीन टाइमिंग। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इस बार ये लेंथ पे आई बटलर की ये लेंथ थी और काम नहीं किया। इस बार यहाँ काम करेगा क्या? जी हाँ, इस बार कनेक्शन तो हुआ लेकिन बहुत ही रेयरली कनेक्ट होता है ये गाइस। जी हाँ, स्पोर्ट्स में आ चुके हम और स्पोर्ट्स में आते ही ये चढ़ दिया छक्का, कमाल का टाइमिंग, कड़क है और ये मैक्सिमम जबरदस्त छक्का। चलिए अगली गेंद यहाँ पे टॉप स्पिन है क्या? इस बार भी बढ़िया तरीके से टाइम किया, ड्रिफ्टर थी और अच्छे से कनेक्ट करता हुआ, मिडल ऑफ द बैट। यहाँ देख सकते हैं आप स्टंप आउट होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। जी हाँ गाइज, लेकिन कैरम के सामने ये इफेक्टिव है नहीं, फ्लिपर के सामने भी मिस करेगा, और बाकी सारे लेंथ और वेरिएशन पे भी आपको ये जो शॉट है वो चकमा दे सकती है बिल्कुल। बहुत ही यहाँ पे आपको ट्रिकी, यहाँ पे टाइमिंग और फुटवर्क जो पोजीशन है वो ट्रिकी पोजीशन है इसकी, और अच्छे से यहाँ पे पोजीशन बना के खेलना होगा, नेगेटिव लाइन जाना होगा, आगे जाना होगा। जी हाँ, यहाँ इस बार देखिए ये लेंथ पे काम नहीं करेगा, फुल स्पीड पे आ रही थी, ये फुलर लेंथ थी, कनेक्ट हुआ नहीं, डी प्योर कर पे काम करेगा, लेकिन 10 में से 7 बार मिस भी होगा, 3-4 बार ही कनेक्ट होगा। तो ये लेंथ पे भी अगर डी प्योर कर पे भी आप काम, यहाँ देखिए इस बार यहाँ पे क्लीन बोल्ड और जाना पड़ेगा बैट्समैन को। यहाँ देखिए इस बार कनेक्ट होगी क्या? बिल्कुल यहाँ पे इस बार कनेक्ट होती हुई और ये मिलेंगे 4 रन, बेहतरीन कनेक्शन मिलता हुआ। लेकिन टाइमिंग इसका अर्ली है गाइज। जी हाँ, स्पेशल शॉट बाकी शॉट की तरह ही अर्ली है, और यहाँ देख सकते हैं ट्रेंट बोल्ट की जो ये रिवर्स स्विंग है अच्छे से कनेक्ट करता हुआ, इस बार भी बढ़िया टाइमिंग और मिलेंगे 4 रन, 1 बाउंस चौका। तो इस शॉट को मैं देना चाहूँगा 10 में से 4। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो।